विद डब्बा पैक मैं अनबॉक्सिंग करने के लिए बना रहा था, बट जो मेरा माइक हो गया पावर ऑफ। सो अभी वेट करते हैं हलीम का। देखो सुबह से चाय पी, उसके बाद कुछ भी नहीं खाया, और हलीम जैसे ही आता है फिर आपको दिखाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। हाँ तो गाइज, अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 2, और इस शख्स ने मुझे मार के उठाया और खुद बैठा हुआ है मोबाइल पे काम चेक करे इस बंदे के। हाँ तो गाइज, बैठे हुए थे फ्लैट पे सुकून से, चाचू ने बोला कि चलो चलते हैं बाहर घूम के आते हैं, तो फिर ऐसा सीन कर दिया कि हालत हो गई टाइट। अब आप मेरा पीछे देख के समझ गए होंगे, और ये देखे यहाँ पे क्वार हो रहा है, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और खुद जो है चाचू भाग गया, खुद चाचू नजर नहीं आ रहा, हम दोनों यहीं पे बैठे हुए सुबह से, मतलब दोपहर से। अरे किस टाइम आए थे? 3 बजे। ढाई 3 बजे। तो गाइस घंटा हो गया यहाँ पे बैठे हुए, और इस बंदे ने जो न्यू मोबाइल लिए अभी ये दे रहा है हमें, ये तराइकिस्तान से आया है, ट्रीट दे रहा है, तराइकियों से वैसे ये हमें ट्रीट दे रहा है। वो मतलब इसने ऑर्डर करा है हलीम और चावल, हलीम चावल हमने मंगवाए हैं। तो जैसे ही आते हैं वो भी आपको दिखाते हैं, और इस बंदे की आपको मोबाइल भी दिखाते हैं। हाँ भाई, मोबाइल दिखाओ अपनी, बॉक्स भी दिखाओ। गाइस ये मोबाइल है जो मतलब अपने दोस्त ने न्यू लिए विद डब्बा पैक। मैं अनबॉक्सिंग करने के लिए बना रहा था, बट जो मेरा माइक हो गया पावर ऑफ। सो अभी वेट करते हैं हलीम का। देखो सुबह से चाय पी, उसके बाद कुछ भी नहीं खाया, और हलीम जैसे ही आता है फिर आपको दिखाते हैं। हाँ तो गाइस, ये अपनी स्टार्ट हो गई है हलीम पार्टी विद फ्रेंड्स एंड कजन्स, मोबाइल लेने की खुशी में ये बंदा दे रहा है। अभी हो रहा है शाम का टाइम, और हम जो है बाहर, थोड़ी गर्मी भी मतलब नॉर्मल हुई है, मौसम अच्छा हुआ है, तो हम निकल चुके हैं बाहर, क्योंकि ये तो पता है कि मातम के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, बिकॉज 9-10 मुहर्रम तो मतलब यही सीन होता है। फिर भी निकले हैं, देखते हैं शायद कोई नई चीज़ मिल जाए। तो नई चीज़ एक हो सकती है वासिफ भाई, नई चीज़ पूछो कौन सी। कौन सी? शॉप सारे बंद होंगे, शॉप सारे वैसे खुले हुए होते हैं, तो ये एक नई चीज़ हो सकती है जो मतलब देख जो मतलब हम देखेंगे। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं लग रहा मुझे, फिर भी चलते हैं देखते हैं। अगर मैं मतलब मातम वगैरह का शूट करूंगा तो चांसेस हैं कॉपीराइट क्लेम भी आ जाए, तो इस वजह से मैं वहाँ पे भी मतलब शूट नहीं कर पा रहा, और तकरीबन वही चल रहा है। उसके अलावा तो कुछ भी नहीं चल रहा, रोड्स पे वही है, फिर भी चलते हैं देखते हैं, अगर कुछ न्यू दिखता है तो शूट करते हैं। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे मैं लेटा क्यों हुआ हूँ, बिकॉज मैंने आज तक कोई व्लॉग ऐसे नहीं किया हुआ, बिकॉज मेरी हालत हो गई है बहुत ज़्यादा टाइट। शाम को निकले थे 6 बजे, अभी वापस आए हैं, और टाइम हो रहा है रात का मैं खुल जा सम नहीं हो रही, अबे खुल जा, ओपन ही नहीं हो रही, बट टाइम तकरीबन 12:30 हुआ है। तो अभी मैं जो जल्दी जल्दी से करके वो अपना डिनर, पास से तभी भी वहीं पे डिनर कर रहा है, और सुबह को उसको जो है छोड़ना भी उसके घर पे, आज वैसे उसको जाना था बट जो है हम चले गए तो लेट हो गई, सजा आज उसको नहीं छोड़ पाया। एनीवेज अभी भी मतलब सीन है निकलने का, प्लानिंग चल रही है, देखते हैं अगर निकलते हैं या नहीं निकलते, जो भी सीन बनता है। पर मोबाइल नहीं लेके जा रहा, आपको बताया था कि मतलब एक तो बहुत ज़्यादा रश है, आप सब लोगों को पता ही है कि मतलब दिनों में कितनी ज़्यादा रश होती है, इस वजह से मोबाइल भी नहीं लेके जा रहा। एक तो मतलब माहौल पहले से ही ख़राब है, और तो अब तो ये दिन ऐसे चल रहे हैं कि और ज़्यादा रश है, इस वजह से नहीं लेके जा रहा। और अभी प्लानिंग चल रही है, शायद जाऊँ नहीं जाऊँ, बट एनीवेज वो तो खैर शूट नहीं होगा तो आपके लिए तो एक ही बात है। आई नो कि आज का ब्लॉग भी नॉर्मल बना हुआ है, बस क्या कर सकते हैं, बाहर मतलब आया था यहाँ पे घूमने इंजॉय करने, बाहर जब भी जा रहा हूँ मातम के अलावा कुछ है ही नहीं, और एक दो मेरी क्लिप्स ऐसी हैं जो मतलब माइक की वजह से ख़राब हो गई, अभी भी पता नहीं चल रहा है नहीं चल रहा, सला गया से रिकॉर्ड कर रहा हूँ सब। कल तो 10 मोहर्रम में खेड़ से गुजर जाए, फिर जो है इंशाल्लाह चलेंगे अपने फ्लैट पे,
और कजन भी आएगा वापस, पर सुबह जो है वासिफ को छोड़ने जाना है टाइम से, वो भी निकलेंगे। बट अभी आज व्लॉग को करने लगा हूँ एंड, आई होप कि लोग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दें और चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।